तो दोस्तों आईसीएम मोटे ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के लिए कंपनी को उसे क्रोस में दिया गया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 3986 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3519 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ के 4114 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने मिली है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 16% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने मिली है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 3% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3118 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2831 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3182 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे ऑन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर में। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 918 करोड़ का प्रॉफिट, पिछले साल 656 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 1016 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं 50% के आसपास की तेजी आपको देखने मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी 11% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। EPS की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी का EPS 33 रुपये के आसपास, पिछले साल 24 रुपये, अभी देखें तो 37 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के EPS की बात करें तो कंपनी का EPS भी आपको साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि ये जो बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है उसके लिए थोड़ा माफी चाहूँगा, क्योंकि आज बारिश हो रही है हमारे एरिया में, इस वजह से थोड़ा सा नॉइज उसके वजह से क्रिएट हो रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो नंबर है रेवेन्यू वाइज और प्रॉफिट वाइज बहुत ही शानदार देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों लार्ज स्केल पर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।